हेलो फ्रेंड्स, प्रिया इजी कुकिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल में पनीर मसाला। ढाबे पर कभी ना कभी तो आपने पनीर मसाला ज़रूर खाया होगा, तो आज मैं उसी पनीर मसाले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी ढाबा स्टाइल में, जो कि बनाने में एकदम ईजी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो पास में बेल बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए, इससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाया जाता है ढाबा स्टाइल में पनीर मसाला। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पनीर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से पनीर का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने यहाँ लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हम इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो पनीर है उस पर सारा मसाला अच्छी तरह से लग जाए। यह देखिए, पनीर पर मसालों की अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है। अब हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो पनीर में अच्छी तरह से आ जाए। 10 से 15 मिनट बाद पहले हम पनीर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें एक एक करके सारे पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एकदम इसे हल्का सा फ्राई करना है ताकि सिर्फ हमारा जो पनीर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आप इसे अगर ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो पनीर एकदम कड़क हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर पनीर को सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। अब पनीर जो है हमारा वो हल्का सा फ्राई हो चुका है, इसलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम पनीर मसाला की ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए मैंने सेम कढ़ाई में जो हमारा तेल बचा हुआ था वो लिया है और इसमें हम 1 चम्मच बटर ऐड कर देंगे। बटर को हम हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ता और थोड़े खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने यहाँ लिया है 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी की और 1 चुटकी हींग लिया है। अब इसे हम तेल में डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो खड़े मसाले का फ्लेवर है वो तेल में अच्छी तरह आ जाए। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक कट किए हुए प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। यह देखिए, प्याज अब अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने से हमारी ग्रेवी को एक अच्छी थिकनेस मिलेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 30 सेकेंड के लिए हम कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैं तेज़पत्ता निकाल दे रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर हमारी सब्ज़ी में आ गया है और वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए मुझे सब्ज़ी चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे कवर कर देते हैं और टमाटर गलने तक इसे पका लेंगे। यह देखिए, अब टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है और जो तेल है वो भी साइड में निकलने लगा है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज को फ्राई करते टाइम भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर और नमक। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमारी ग्रेवी को एक डार्क रेड कलर देगी। अगर आपके पास घर में यह मिर्च अवेलेबल ना हो तो आप नहीं भी डालें, ये टोटली ऑप्शनल है। अब हम इसमें 1/2 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने पानी सिर्फ 1/2 कप ही लिया है क्योंकि जो हमें ग्रेवी चाहिए वो एकदम थिक चाहिए। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो हमारी ग्रेवी पतली हो जाएगी। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हमें गैस की फ्लेम यहाँ पर भी मीडियम ही रखनी है। यह देखिए, अब ग्रेवी का जो मसाला है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसमें तेल भी सेपरेट होने लगा है।
अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच फ्रेश दही डालेंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें फ्रेश दही का ही यूज़ करना है, अगर दही ज़्यादा खट्टी हुई तो हमारी ग्रेवी भी खट्टी हो जाएगी, इसलिए फ्रेश दही का ही यूज़ करें। और अगर आपके पास घर में दही अवेलेबल नहीं हो तो यहाँ पर आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, जो दूध की मलाई हमारे घर में रहती है आप उसका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ हमारा पनीर ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके एक मिनट के लिए और कुक कर लेंगे ताकि जो पनीर है वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तो पनीर की स्किन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हमें पनीर को एक मिनट के लिए और कुक करना है। एक मिनट कुक करने के बाद यह देखिए पनीर कितना अच्छा दिख रहा है और जो मसाले हैं उन्होंने भी तेल अच्छी तरह से छोड़ दिया है और ग्रेवी की थिकनेस देखिए आप, कितनी गाढ़ी हमारी ग्रेवी है। अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इस ग्रेवी को और अच्छा टेस्ट मिलेगा। और जैसी आप पनीर मसाला ढाबे पर खाते हैं यह ग्रेवी भी आपको सेम वैसा ही टेस्ट देंगी। तो लीजिए तैयार है अभी यह हमारी पनीर मसाला। आप इसे देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी टेस्टी बनी होगी, तो आप भी इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।